टीएमसी का फुल फॉर्म मैंने बताया है कि टी फॉर ट्रांसफर, एम फॉर मनी और सी फॉर करप्शन। इस्लामपुर में छप्पा वोट होता है। छप्पा बोले तो? छप्पा वोट बोले तो बूथ को कैप्चर किया जाता है टीएमसी के द्वारा। जो अभी हमारा मिनिस्टर जो कैंडिडेट को लेके घूर रहा है कृष्णा कल्याण, वो टीएमसी का नहीं है तो वो उसका अभी मोहर पीछे बीजेपी का ही लगा हुआ है। अच्छा। वो अभी बीजेपी का ही कैंडिडेट है वो। जब जब ममता की नैया डूबती है तब तब कांग्रेस के सहारा लेने के लिए आती है। जो मंत्री है ना तो विक्टर भाई की वजह से है। क्यों, ये कैसे मंत्री बना? अरे भाई उसको तो वो स्टाम्प वाला मंत्री बना के रखा था वो। तो विक्टर भाई के वैसे मंत्री हैं बोल रहे हैं। विक्टर भाई हल्ला करके इसको खाली स्टाम्प वाला मंत्री बना के रखा है तब उसको मंत्री पद दिया गया है। रब्बानी जो बोला जो ग्वालपोहर में हम 1,00,000 वोट देंगे और मिनाजुल अरफीन आजाद बोला है जो हम 60,000 वोट देंगे। आज उन लोग को जमाना जब हो गया। पानी से प्यास ना बुझी तो मैं खाने की तरफ चल पड़ा। पानी से प्यास ना बुझी तो मैं खाने की तरफ चल पड़ा। सोचा कि शिकायत करूं बंगाल वालों से, तेरी विक्टर बंगाल का हर बुरा बच्चा तेरा आशिक निकला। नफरत का इतना राजनीति, धर्म की इतनी राजनीति, ये जो गंदी राजनीति है ये एक सिक्के के दो पहलू की बात है। एक बीजेपी और एक टीएमसी। एक आपका देश को लूट रहा है और एक एक सेकंड पहले बोलने दीजिए। एक आपका देश को लूट रहा है और एक स्टेट को इतना गुमराह। अभी हम लोग रायगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर अभी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं अली इमरान रम साहब, ये यहाँ पर आए हैं और यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट के नेता हैं। उनसे हम बात करेंगे, पार्टी के समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार क्या लग रहा है, इस बार किस तरीके से वो लड़ाई लड़ेंगे और किस तरह की तैयारी है उनकी। आपका नाम, परिचय थोड़ा बताएं। डॉक्टर सादिकुल इस्लाम, ब्लॉक प्रेसिडेंट इस्लामपुर कांग्रेस कमेटी। क्या लग रहा है इस बार जो कांग्रेस है रायगंज में, कांग्रेस लेफ्ट काफ़ी पिछड़ चुका है 2019 और 20 के चुनाव के हिसाब से देखें तो, 2019 और 21 के हिसाब से देखें, इस बार क्या उभर पाएंगे, जीत पाएंगे? देखिए, ये नॉर्थ बंगाल और उत्तर दिनाजपुर, खास करके रायगंज कंस्टिट्यूएंसी, ये कांग्रेस की मिट्टी है। प्रियन दास मुंशी की मिट्टी है, दीपा दास की मिट्टी है। लेकिन कुछ ऐसी जमात है जो बीजेपी विभाजन वाली पार्टी है और टीएमसी ये चोरों का दल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो मनी कलेक्शन करती है। मैंने मीडिया बंधु के माध्यम से बार बार कहा है कि टीएमसी ये पार्टी नहीं है। टीएमसी का फुल फॉर्म मैंने बताया है कि टी फॉर ट्रांसफर, एम फॉर मनी और सी फॉर करप्शन, यानी मनी ट्रांसफ़र करो करप्शन के लिए। तो इन लोग के नीचे लेवल से लेकर के अपर लेवल तक, यानी अभिषेक बंदोपाध्याय नाम लेके बोल रहा हूँ, वहाँ तक इन लोग के हर डिपार्टमेंट का परसेंटेज जाता है। तो आज जग जाहिर है लोगों को, जिस तरह इन लोगों ने धोखा दे करके, इन लोगों ने गलत और झूठे वादे दे करके लोगों को अपने तरफ खींचा था और बहुत सारे लोग जो कांग्रेस परिवार से थे, लोगों ने इनके धोखे में आ करके इनको समर्थन दिया था। और 2019 में वोट के बंटवारा की वजह से यहाँ से बीजेपी जीती थी। बीजेपी का यहाँ हमारे सिर्फ रायगंज नहीं, पूरे बंगाल में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था, नाम लेने वाला नहीं था। वोट परसेंटेज 2.5% था, मतलब आज़ादी के बाद से लेकर इन लोग की जो पार्टी बनी तब से लेकर के 19 तक इन लोग का वोट परसेंटेज एक एक विधानसभा में 4,000-5,000 था। लेकिन ममता बनर्जी, ये मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी कोई टीएमसी पार्टी नहीं है, ये बीजेपी की बी टीम है। ममता बनर्जी को क्या कहते हैं, आरएसएस के जो महान भागवत है, उन्होंने दुर्गा का टाइटल दिया था और इन्होंने ये बोला कि कांग्रेस वोट कटवा है। तो मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस वोट कटवा नहीं है, बल्कि आप बीजेपी के इशारे पे यहाँ काम कर रही है। जब तक यहाँ कांग्रेस का शासन था, बीजेपी कभी दरवाज़ा ठकठका नहीं पाया बंगाल में। कांग्रेस के शासन के बाद 34 साल यहाँ राज किया कम्युनिस्ट पार्टी ने, लेकिन यहाँ आरएसएस के दफ्तरों में ताला लगा हुआ था। बीजेपी के कोई एमएलए नहीं था, यहाँ कोई एमपी नहीं था, लेकिन ममता की वजह से, ममता की आशीर्वाद से यहाँ बीजेपी 18 एमपी जीतती है और बीजेपी 77 एमएलए जीतता है। तो ये क्रेडिट गोज़ टू
ममता बनर्जी एंड अभिषेक बंदोपाध्याय। आज बीजेपी यहाँ अगर फड़फड़ा रही है, सर उठा रही है, तो ये क्रेडिट जो है ममता बनर्जी को जा रही है। और ममता बनर्जी के चरित्र में, ममता बनर्जी के चरित्र में है, उसके ब्लड में बीजेपी आरएसएस है, विभाजन की राजनीति है। ममता बनर्जी जो आज बीजेपी से डरा रही है लोगों को, तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ मैं मीडिया के माध्यम से कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही सिक्के का पहलू है। बीजेपी बोलती है हम एनआरसी कर देंगे, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी एक नागरिक को बांग्लादेश या दूसरे देश में भेज सके, किसी नागरिक को नहीं भेज सकता। वो डराता है और ये कहती है कि हम किसी को जाने नहीं देंगे, एनआरसी करने नहीं देंगे। तो इस तरह ये लोग बहकावे में और झूठे वादे दे करके क्या कहते हैं सरकार चलाना चाहते हैं, और जनता इनको माफ नहीं करेगी। यहाँ पर आप लोग ममता बनर्जी के खिलाफ जितना भी बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में तो साथ में ही सब नजर आते हैं, टीएमसी वाले और कांग्रेस वाले सब, तो सारे टॉप लीडरशिप आपकी एकजुट होकर बीजेपी से लड़ने की बात। नहीं नहीं, वो आई थी जब जब ममता की नैया डूबती है तब तब कांग्रेस के सहारा लेने के लिए आती है, लेकिन कांग्रेस ने इस मर्तबा ममता बनर्जी के चरित्र को पूरी दुनिया में उजागर किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के इशारे पे वो काम करती है। और बीजेपी के साथ अलायंस उन्होंने किया था 1999 में, और अलायंस करके वो रेल मिनिस्टर थी। तो बीजेपी के साथ जाने की आदत जो है वो ममता बनर्जी की है, कांग्रेस की और कम्युनिस्ट पार्टी की नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ वो इलेक्शन लड़ चुकी है, अलायंस कर चुकी है, मिनिस्टर रह चुकी है, उसके गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुकी है। तो वो बीजेपी से डराती है और बीजेपी के गोद में जाके बैठती है। इसलिए इस बार जो है हमारे इलाके को अली इमरान रम्स उर्फ विक्टर के नाम से जो एक लड़का मिला है, एक नौजवान मिला है, ये वो नौजवान है जो पुलिस की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ये वो नौजवान है जो जालिमों के खिलाफ लड़ता है, ये वो नौजवान है जो कातिलों से टकराता है, ये वो नौजवान है विक्टर जो हमारे इलाके में जब भी उसको आवाज़ दी जाती है तो विक्टर वहाँ जाके खड़ा होता है, मजलूमों के साथ खड़ा होता है, बेवाओं के साथ खड़ा होता है, गरीबों के साथ खड़ा होता है, बेसहाराओं के साथ खड़ा होता है, नाइंसाफी जहाँ होती है वहाँ जाके विक्टर खड़ा होता है। तो इस बार हमारे इलाके के लोग अपने बेटा को वोट देंगे, अपने घर के बच्चे को वोट देंगे, विक्टर को वोट देंगे, और भारी मतों से जीता करके सांसद पहुँचाएंगे, ताकि सांसद में जाके एक अली इमरान रमजान के नाम से शेर दहाड़ेगा, अपनी हुकूक की लड़ाई करेगा, अपने इलाके की लड़ाई करेगा और हमारे मजलूमों की आवाज़ को उठाएगा। जो इन लोगों ने हम लोग को बैकवर्ड रखा है, उस बैकवर्ड से निकलने के लिए रास्ता जो है विक्टर बताएगा। आपका परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम अबुल हयात, मैं हूँ शाहपुर टू से। पार्टी से जुड़े हैं आप, कांग्रेस से, लेफ्ट से? जी कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से जुड़े हैं, किस पद पे हैं कांग्रेस के? पद पर नहीं हूँ, मैं कर्मी समर्थक हूँ जी। इस बार क्या लग रहा है, तो कितनी तैयारी है कांग्रेस के अंदर? हाँ 100% है। रायगंज में स्थिति सुधर पाएगी? हाँ सुधर पाएगी, लहर चल रहा है। जहाँ भी हम लोग खबर ले रहे हैं, जहाँ भी चाय दुकान में, तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वोट होगी, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। लेकिन विधानसभा में तो टीएमसी पूरा चला गया, इधर का टीएमसी चला गया है, लेकिन वोटर तो नहीं गया है, वोटर है। वोटर ही वोट दिया तब ना टीएमसी? हाँ वही तो है, तब अभी वोटर है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। इसलिए पिछले बार आप किधर थे 21 में? हम लोग पिछले बार हम लोग इसमें फ्रॉड ब्लॉक में थे। फॉरवर्ड ब्लॉक है, तो ये हमारा जो नेता है उस उधर ही हम लोग हैं। अब क्या हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक का? अब तो नहीं, अभी तो जोट में आ गए, खत्म हो गया। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तनवीर रेजा। कहाँ से हैं? जी हम इस्लामपुर से, इस्लामपुर का टाउन प्रेसिडेंट है। टाउन प्रेसिडेंट कांग्रेस के? जी कांग्रेस के। क्या बोलिए, कांग्रेस जो है इस्लामपुर के अंदर खासकर बात करें, कभी आपके 19वें विधायक थे वही टीएमसी आए, टीएमसी से लोकसभा लड़े, अब जो है कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई है, इस्लामपुर के अंदर उतना वोट नहीं आ पाता है। इस्लामपुर विधानसभा में इस बार इस लोकसभा चुनाव में लीड ले पाएंगे आप लोग? एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस्लामपुर में छप्पा वोट होता है। छप्पा बोले तो? छप्पा वोट बोले तो बूथ को कैप्चर किया जाता है टीएमसी के द्वारा। बूथ कैप्चरिंग? बिल्कुल, इससे पहले भी बूथ कैप्चरिंग होता है जी। अच्छा। इस बार पंचायत इलेक्शन में क्या हुआ, 7 बजे इलेक्शन स्टार्ट होकर 8 बजे खत्म। अच्छा। एक घंटा में कहाँ इलेक्शन खत्म होता है आप बताओ, 800 से 1000 वोट एक घंटा में कोई ले सकता है, लेकिन इस्लामपुर में ये हो चुका है। एक घंटा में इलेक्शन खत्म हो गया, तो आप लोगों ने शिकायत वगैरह नहीं की? शिकायत अरे सब कुछ तो मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ, कितना शिकायत करे, अरे न्यूज़ में आ चुका, सब कुछ आ चुका आदमी, तो फिर भी विधानसभा और लोकसभा में भी ऐसा होता है? विधानसभा में भी हो चुका, इससे पहले एमपी में भी हो चुका, इससे पहले जो हमारे सीपीएम से
सलीम साहब थे उनके गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया था, उनके ऊपर अटैक किया गया था इससे पहले भी, ये 2019 में ये सिचुएशन था, अभी भी है। लेकिन लोग एकदम टीएमसी और बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, इसलिए इस बार लोगों ने ठान लिया है कि जो हो जाएगा देखा जाएगा। इस बार वोट एकदम उन्नयन के नाम पे होगा, इस बार वोट हमारे जो सुरजापुरी का जो हीरो है, जो लड़ाकू नेता है, उसको इस बार वोट दिया जाएगा, इस बार देश के लिए वोट दिया जाएगा, इस बार कांग्रेस के लिए वोट दिया जाएगा। ये मेरा आवाज़ नहीं, ये आवाम का आवाज़ है, आप खुद देख सकते हैं, इलाके में इस्लामपुर में भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या हाल है। आपने कहा सुरजापुरी युवा, तो पहली बार किसी बड़ी पार्टी ने क्या इस इलाके में किसी सुरजापुरी मुस्लिम को लोकसभा का टिकट दिया है? बिल्कुल, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले इस क्वालिटी का भी लीडरशिप, लीडर होने के लिए भी तो क्वालिटी चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि थोड़ा सा वो कुछ अच्छा क्वालिटी होने के बाद यहाँ जितने भी आपके बड़े लीडर्स है सब पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद ये लोग अपने आप को बेच देते हैं टीएमसी में जाके, उसलिए ये हाल है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने यहाँ पे लीडर नहीं दिया, लेकिन ये लोग खुद अपने आप को बेच देते हैं। और इस बार ऐसा है कि विक्टर ही एक वाहिद ऐसा शख्सियत है कि जिसका अभी भी ये जो है बिका नहीं है, और वो लड़ने वाला ये रीढ़ का हड्डी। बाद बाकी आप जितना भी देखेंगे जो टीएमसी में अभी भी जितने हैं ये इलाके में मिनिस्टर भी अगर आप देखोगे तो सब बिका हुआ है। मिनिस्टर तो कहते हैं कि वन ऑफ द वीकेस्ट कैंडिडेट कांग्रेस ने रायगंज में दिया है, ट्वीट किया है उन्होंने कल। वो सब तो वो जुमलेबाजी, यहाँ ग्वालपगड़ से हम लोग लीड लेने वाले हैं और इससे बड़ी बात है। बिल्कुल, अच्छा मतलब उन्हीं के विधानसभा से लीड लेने वाले हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के विधानसभा से वोट मिलने वाले हैं। आई आई आपकी बात की, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हैदर आलम। कहाँ से है? हम चकलिया से हैं। चकलिया से जी। किस पार्टी से जुड़े हैं? कांग्रेस से। कांग्रेस से क्या बोल रहे थे आप बताइए? बोल रहे थे जो अभी हमारा मिनिस्टर जो कैंडिडेट को लेके घूर रहा है कृष्णा कल्याण, वो टीएमसी का नहीं है, तो वो उसका अभी मोहर पीछे बीजेपी का ही लगा हुआ है। अच्छा। वो अभी बीजेपी का ही कैंडिडेट है। वो अभी अपना जो बीजेपी का एमएलए था वो तो अभी कैंसिल नहीं किया, तो उसको पार्टी उन लोग का टिकट दिया है। आप कह रहे हैं बीजेपी के जो एमएलए थे रायगंज से, हाँ? तो उससे अभी इस्तीफा नहीं दिए? नहीं, वो तो अच्छा। अभी बीजेपी का है। हाँ। और जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा एनपी का, उस टाइम क्या होगा नहीं होगा बात का बात है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी एक ही उन धागा का है वो लोग। अच्छा, एक ही साथ है? हाँ, एक ही साथ है वो लोग। पहले नाम बताइए अपना। अनवारुल हक। कहाँ से हैं आप? चकुलिया। कांग्रेस से जुड़े हैं जी? जी बताइए। आप जो बोले मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, आप देख लिए? नहीं, उन्होंने ट्वीट किया था कल कि वन ऑफ द वीकेस्ट कैंडिडेट कांग्रेस ने रायगंज में दिया है। रायगंज में दिया है तो आप देख लीजिए, 3 जिला परिषद में 2 जिला परिषद हम लोग कांग्रेस जीते हैं, उसके विधानसभा में, और वो भी उसका भाई जो जीता है 56 वोट से जीता है। अच्छा। आप कहीं भी पूछ लीजिए, उनको पता है कि किसको कैंडिडेट दिए हैं, कहाँ कैंडिडेट दिए। उनको इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस था तो उसको कहीं टिकट मिला? वो तो चाहता था घर घर को बोलते हमको मिनिस्टर, हमको देखा एमपी का टिकट, कहाँ दिया टिकट? उसको पीछे ही घूमना पड़ेगा, आगे बढ़ने का। वो जो मंत्री है ना, तो विक्टर भाई की वजह से है। क्यों, ये कैसे मंत्री बना? अरे भाई, उसको तो वो स्टाम्प वाला मंत्री बना के रखा था वो। उनको पता था? नहीं पता था। पहले मदरसा एजुकेशन के थे, अब पर्यावरण एनवायरनमेंट। हाँ, तो पहले किए, उससे पहले भी क्या मंत्री दिए थे उनको? कुछ नहीं दिए थे उनको, खाली स्टाम्प वाला मंत्री छोड़ दिए थे उनको। और कृष्ण कल्याण बोल रहे हैं ना, वो तो बीजेपी का अभी भी तक है। अगर उनका इतना कॉन्फिडेंस था तो वो अपना रिजाइनेशन देके वो टीएमसी से लड़ते, तब जीतते ना, क्या उसको देखा? वही है, यहाँ टीएमसी का कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी का और टीएमसी भी बीजेपी का है, दोनों एक ही है। यहाँ टीएमसी नहीं है, यहाँ बीजेपी है, दोनों कैंडिडेट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। यहाँ टीएमसी कुछ नहीं है। यहाँ पहले नाम बताइए। दादा नमस्कार, हमार नाम रफी आलम। हमारे धन्यवाद जो हमारे चाकलिया जीपीते एमपी टिकट क्यों पाई, हमारे आली इमरान पे जे हमें खूब खुशी आज हमारा कांग्रेस के वोट दिए जय जीत। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिताबुद्दीन उर्फे मुन्ना है। बात हुआ जो यहाँ जो एनआरसी के नाम में विधानसभा जीता था ममता बनर्जी, आदमी को मैंने भुखला दिया था, बोल करके आदमी वोट दिया था, मगर एनआरसी तो रोका नहीं, सीए बिल तो आज निकल गया है। ये एक तो आवाम को मैंने धोखा से वोट से जीत गया था,
अब जो हुआ, अभी जो जो टिकट मिला है यालिन राम विक्टर को टिकट जो मिला है, तो आदमी वोट देने के लिए तो मुंह खुल के बैठा हुआ। ये तो कलकत्ता से, दिल्ली से कलकत्ता या कलकत्ता से रायगंज आया, ये चकेलिया ग्वालपोखर आदमी को जो खबर हुआ जो वो आ गया है रायगंज, तो आज तो देखे 500-700 रुपये गाड़ी, अपना अपनी पैसा से गाड़ी लेके रायगंज को हलचल मचा दिया। आदमी का इतना खुश है जो वोट देने के लिए, ये रब्बानी जो बोला जो ग्वालपोखर में हम 1 लाख वोट देंगे, और मिनाजुल अरफीन आजाद बोला है जो हम 60,000 वोट देंगे। आज उन लोग को जवाना जब हो गया, आज आप लोग देख सकते हैं चिन्हन का इसमें जो कितना गाड़ी, 500-700 गाड़ी अपना पैसा से लेके, आज तो आदमी इतना खुश हुआ है जो मैंने कहने का बात नहीं है, इतना खुश हुआ है। और इस बार सामने ये लोकसभा में वोट दे के इसको जीता करके दिल्ली भेजेगा, राहुल का हाथ मजबूत करेगा और टीएमसी यहां से साफ हो जाएगा। 2 लाख वोट से जीतेंगे। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद तारिक हाशमी है। जी। जो कुछ कहने का सब हमारे नेतागण बोल चुके हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि पानी से प्यास ना बुझी तो मैं खाने की तरफ चल पड़ा, पानी से प्यास ना बुझी तो मैं खाने की तरफ चल पड़ा। सोचा कि शिकायत करूँ बंगाल वालों से, तेरी विक्टर, बंगाल का हर बुरा बच्चा तेरा आशिक निकला। बस डॉक्टर जिंदाबाद। ये जो मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं जी बिल्कुल वोटर हैं हम, और इसी बार पहली बार लोकसभा वोट भी देंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इलाके से हमारे जो हैं नेता, और वो भी एक ऐसे नेता जो लीडर कहने के लायक है, और जो पार्लियामेंट में बाकायदा हमारे हक के लिए लड़ सकते हैं, इलाके के लिए लड़ सकते हैं, ये बड़ी। और जो आप बताएं कि विरोधी पार्टी, आज जो हम लोग सियासत देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि देश में आज यंग जनरेशन के साथ नफरत का इतना राजनीति, धर्म की इतनी राजनीति, ये जो गंदी राजनीति है, ये एक सिक्के के दो पहलू की बात है। एक बीजेपी और एक TMC, एक आपका देश को लूट रहा है और एक सेकंड पहले बोलने दीजिए, एक आपका देश को लूट रहा है और एक स्टेट को इतना गुमराह। आप अगर देखेंगे यंग जनरेशन में आज नौकरियां खा गई हम लोगों की, जो मतलब न्यू जनरेशन के बच्चों की है, जो पढ़ाई किए हैं सबकी नौकरियां खा गई। एक जो है आज तक हम लोग नहीं जानते कि इलाके में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हमारे यहाँ के इलाके के कोई भी बच्चों को आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में लाया नहीं गया है। इसके लिए मैं बस यही कहूँगा, अपने यंग जनरेशन से कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या नहीं लाया गया, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकरियों की है, स्कीम है, बहुत कुछ है जो हमारे इलाके में होनी चाहिए। आज रायगंज में लगभग आज 15 साल से यहाँ की MPs बन रही है, पर हमारे इस सुरजापुरी माहौल में 15 साल से जो भी MP बन रहे हैं, मतलब हमारे इलाके के नहीं, जो भी बन रहे हैं, हम लोग अभी तो देख रहे हैं ना, जैसे अभी देवश्री हुआ बीजेपी का, हम लोग आज तक नहीं कह पाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या हुआ, ठीक है। और सिर्फ क्या है, नफरत हर जगह नफरत। तो हम बस यही कहेंगे कि सबसे यही कहेंगे कि इस बार आप अपने इलाके का, सबसे पहली बात है हमारे घर के नेता हैं और अच्छे लीडर हैं, और हमारे इलाके के लिए जो काम है वो मुकम्मल करने के लिए आप सबसे पहले इनको सपोर्ट करें, हम सबसे ये बात कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरा नाम अब्दुल समद रजा है, मेरा हमारे जो नेता है वो अली इमरान रम्ज विक्टर हैं, सब कोई जानते हैं, हर कोई जानते हैं, और बहुत फेमस नेता है। तो मेरा कहने का मकसद बस यही है कि जो है आप खुद सबको 100% सपोर्ट कीजिए, और पूरी उम्मीद है कि हम लोग 2-4 लाख वोट से जीतेंगे।